इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, 12 जिलों में 13 शहरी निकायों के वार्डों के उपचुनाव, सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने यहां बाजी मारी है, 6 सीटों पर कब्जा किया है बीजेपी का, 4 सीटों पर कब्जा हुआ है जबकि 3 सीटों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 में से 8 सीटों पर पुरुष और बाकी 5 सीटों पर महिला प्रत्याशी जीती है, 4 सीटों पर SC, 4 सीटों पर सामान्य श्रेणी और 4 सीटों पर OBC की जीत दर्ज हुई है जबकि 1 सीट पर ST प्रत्याशी विजय हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, उपचुनाव में कांग्रेस को फायदा हुआ है, हालांकि 3 सीटों पर निर्दलीय जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत दर्ज की है। भरत राज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। भरत, किस तरीके से इसका आकलन किया जाए और देखा जाए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस ही फायदे में नजर आ रही है, कांग्रेस की जीत बड़ी नजर आ रही है? देखिए, अभी हाल ही में उपचुनाव निकाय और पंचायत समिति, ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसमें आज उनके चुनाव परिणाम आए हैं और पूरे बात की जाए निकायों की तो 12 जिला के 13 निकायों के ये वार्डो के उपचुनाव है उनका परिणाम जारी हुआ है। उसमें 6 सीटों पर कांग्रेस जो भी सत्ता में सत्ताधारी दल ने वहाँ पर बाजी मारी है, 4 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है और 3 सीटों पर निर्दलियों ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। ऑल ओवर इसमें से देखा जाए तो 8 सीटों पर पुरुष और 5 सीटों पर महिला प्रत्याशी की जीत हुई है और पंचायत समिति की बात की जाए तो 12 पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम आए हैं। उसमें 1 सीट पर पहले ही निर्भर निर्वाचन हो गया था और 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, बीजेपी 4 सीटों पर रही है और 2 सीटों पर निर्दलियों ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी सत्ताधारी दल को यहाँ पर बढ़त मिली, तो सत्ताधारी दल को फायदा होता यहाँ नजर आया है। शुक्रिया भरत तमाम जानकारी के लिए। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।